टूटने की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था बच्चा, महिला पुलिस अफसर ने बचाई जान। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक महिला पुलिस अफसर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अपने फुर्ती और समझदारी की बदौलत 2 हफ्ते के एक बच्चे को नई जिंदगी दे दी। खबर के मुताबिक बच्चे का दम घुट रहा था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। इंडोनेशिया में अपमान के विरोध में छात्रों ने स्थानीय संसद भवन की एक बिल्डिंग को आग के हवाले किया। इंडोनेशिया के पश्चिम प्रांत में हजारों प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय संसद की एक बिल्डिंग में आग लगा दी। ये आग पापुआ प्रांत के छात्रों के कथित अपमान और गिरफ्तारी के विरोध में लगाई थी। फिलहाल इस आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सिलसिलेवार बम धमाके, 66 की मौत। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सोमवार को सिलसिलेवार बम धमाके में कम से कम 66 लोगों की मौत हो गई है। धमाकों में सैकड़ों लोग घायल बताए हैं। 19 अगस्त को अफगानिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।